हेलो फ्रेंड्स, मैं उमान मिंद्र, आप देख रहे हैं लाइव टू एक्सप्लोर विद एमकेएस करंट अफेयर्स जीके जीएस सेशन। जी हाँ दोस्तों, आज का करंट अफेयर्स और जीके जीएस बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने कल भी बात किया था, इतने दिनों के बाद क्यों करंट अफेयर्स आया, तो कुछ खास चीजें इस प्लेटफॉर्म पर आने वाला है। ये सिर्फ एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है जहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट का प्रिपरेशन एक साथ मिलने वाला है कुछ ही दिनों में। यानी आप कह सकते हैं जो सारे सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कहने जा रहे हैं, तो जितने भी सब्जेक्ट्स यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इथिक्स, सारे चीज का कलेक्शन सिर्फ आपको एक ही पॉइंट में मिलने जा रहा है, यानी सिर्फ लाइव टू एक्सप्लोर विथ एमकेएस करंट अफेयर जीके जीएस सेशन पे। तो आइए चलिए दोस्तों, आज के बिना समय वेस्ट किए आज के करंट अफेयर जीके जीएस की तरफ चलते हैं। कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज होने वाले हैं आज के क्वेश्चन में, चलिए आइए देखते हैं। उससे पहले दोस्तों जल्दी से जल्दी इसको शेयर कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाला है आज के क्लास में। इसके बाद एप्टीट्यूड का भी सेशन आएगा और क्या खास होने वाला है चलिए हम लोग बात करते हैं। इंडियन हिस्ट्री का सीरीज हम लोग कल बैटल ऑफ प्लासे हम लोग देख लिए थे, आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। 10th क्वेश्चन के रूप में ये आता है, चलिए इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है ये। इसके बाद हम लोग सीरीज लाएंगे किस चीज का, तो वो सीरीज हो जाएगा आपको बहुत इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस का लाएंगे। इंडिया में जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे हम लोग जैसे बात करें तो वर्ल्ड में जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो एग्जाम में पूछा जाता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। डेली हम लोग का टॉप 10 करेंट अफेयर्स डेली एप्टीट्यूड रीडिंग सेशन आ रहा है, अभी हम लोग का एप्टीट्यूड रीडिंग सेशन चल रहा है डिस्काउंट यानी छूट। पहला लेक्चर कल ही हुआ है, जल्दी से जल्दी उस सेशन को भी ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। जैसे ही आता है लाइव सेशन चल रहा है, कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो हर एक वीक में आपको मिल जा रहा है। अगर आप कोई भी चीज़ का पीडीएफ फॉर्म चाहते हैं तो सीधे डायरेक्टली जाके मेरे लाइव एक्सप्लोर विथ एमकेएस के ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम पर, उसको ज्वाइन कर लीजिए, या मेरे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वो भी लाइव टू एक्सप्लोर विथ एमकेएस के नाम से है। चलिए आज हम लोग डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, बिना समय वेस्ट किए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले चलिए हम लोग शेयर कर देते हैं, आप शेयर नहीं कर रहे हैं थोड़ा सा शेयर कीजिए, आप भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, आप भी शेयर कीजिए, मैं भी शेयर करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, इतना इंपॉर्टेंट है कोई भी एग्जामिनेशन में ये आसानी से पूछा जा सकता है ये सारे क्वेश्चंस, और आपको जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बहुत सारे कलेक्शन करने का मिलते हैं। और मैं एक जगह ये सारे क्वेश्चन लाता हूँ जीके जीएस के साथ, और तो अब सीरीज भी स्टार्ट हो गया हम लोग का। तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन होने वाला है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड 9 हाईवे प्रोजेक्ट एंड ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सर्विस इन बिहार अंडर द स्कीम। हाल फिलहाल में आप लोग जान रहे होंगे जी, बिहार में वोट होने वाली है, यानी चुनाव होने वाले हैं बिहार में, तो उस कारण से थोड़ा बहुत सभी जो पार्टी हैं वो कुछ कुछ एक्टिविटी करने जा रहे हैं, एक्टिव हो जा रहे हैं। जो अब चुनाव आ रहा है तो वोट चाहिए, तो कुछ कुछ है, लेकिन ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कुछ कुछ लॉन्च जो कर रहे हैं वो सारे स्टेट्स में कर रहे हैं, इसलिए ये कोई खास बात नहीं है। तो बिहार के लिए सर कौन सा सौगात आया है आइए देखते हैं। पहला तो 9 हाईवे प्रोजेक्ट्स आया है, और ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सर्विस इन बिहार किस स्कीम के तहत लाया गया है, तो ये है घर तक फाइबर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको आजकल पूछा जाएगा जो घर तक फाइबर किस स्कीम के, मतलब ये स्कीम जो है किसके तहत लाया गया है और कहाँ लाया गया है, तो ये ऑप्टिकल फाइबर हर एक घर पहुँचाने के लिए लाया गया है, और किस स्टेट में लाया गया है, तो ये बिहार स्टेट में लाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, आइए चलिए देखते हैं क्या क्या होने वाला है अब इस क्वेश्चन के तहत। आइए कुछ कुछ हम लोग बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन में, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज बन रही है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज आ सकती है इस क्वेश्चन से, तब फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। उससे पहले एक जगह मैं शेयर करता हूँ, टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दिया हूँ, अब मैं अपने फेसबुक ग्रुप पे शेयर करता हूँ, जहाँ जहाँ मेरा ग्रुप रहता है शेयर करता हूँ, और चाहता हूँ जो आप लोग वहाँ पे आएँ और ज्वाइन करें। इसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपको दिक्कत आ रही है उसे आप कमेंट बॉक्स में पूछिए उसी समय जब लाइव चल रहा हो, तो नहीं तो बाद में पूछ सकते हैं। और जो एप्टीट्यूड का सेशन है उसमें जो भी क्वेश्चन आपको डाउट लगता है उसे पूछ सकते हैं, और जो क्वेश्चन में लग रहा है नहीं बन पा रहा है, या पीछे वाले जो हम लोग जैसे परसेंटेज और ऐसे प्रिपरेशन कंप्लीट कर लिए हैं उसमें भी कोई दिक्कत है, तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब चलिए हम लोग सेकेंड इस क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन पे चलते हैं हम लोग। अब एक खास चीज़ की है, हम लोग सारे क्वेश्चन को डिस्क्राइब भी करते हैं, चलिए इस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन है क्या चलिए देखते हैं। दिस सर्विस आर टू बी एग्जीक्यूटेड अलोंग विथ कंबाइंड एफर्ट ऑफ कॉमन सर्विस सेंटर।
और दूसरी पॉइंट क्या है, द प्रोजेक्ट इज टू बी इंप्लीमेंटेड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अंडर द स्कीम घर तक फाइबर। क्या है, दो चीज हमें याद रखना है, घर तीन चीज सॉरी घर तक, बस तीन ही चीज याद रखना है, इतना सारे क्वेश्चन का एक ही निष्कर्ष है, घर तक फाइबर है। इस कहाँ पे लाया गया है, बिहार में घर तक फाइबर स्कीम है, कहाँ लाया गया है बिहार में, किस चीज के लिए, हर घर पे ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाने के लिए, बस यही चीज याद रखना है। और इस साल नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, वो बहुत चीज सौगात लाए थे 15 अगस्त को, जैसे कि A1000 पेज में हर एक छोटे बड़े शहर और गांवों में ऑप्टिकल फाइबर पहुंच जाएगा। और एक खास चीज, अंडमान एंड निकोबार में अंडर द सी ऑप्टिकल फाइबर जा रहा है, वहां पे भी नेटवर्क का सुविधा अच्छा होने वाला है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर का और इंटरनेट सिस्टम को अच्छा करने के लिए बहुत अच्छा चीज सौगात लाया जा रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। द इंटरनेशनल रेड पांडा डे IRPD इज सेलिब्रेटेड ऑन डेथ सैटरडे ऑफ सेप्टेम्बर एवरी ईयर। क्या है क्वेश्चन, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस IRPD हर साल सितंबर के कौन से शनिवार को मनाया जाता है। इसी तरह एक कल और क्वेश्चन था, ये भी आंसर थर्ड है, इसी तरह एक कल माफ कीजिएगा, इसी तरह कल एक क्वेश्चन भी था जिसमें हम लोग को देखा गया था जो थर्ड सैटरडे सितंबर के थर्ड सैटरडे को इंटरनेशनल कोस्टलाइन क्लीनअप डे क्या मनाया जाता है, यानी समुद्र तट जो है उसे साफ रखने का दिन मनाया जाता है। और एक और चीज उसी दिन मनाया जाता है, थर्ड सैटरडे को मनाया जाता है इंटरनेशनल रेड पांडा डे। अब किस लिए मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, आइए देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीज है इसके पीछे। इन 2020 द IRPD इज बींग ऑब्जर्व ऑन 19 सितंबर 2020। द डे वॉज लॉन्च बाई द रेड पांडा नेटवर्क इन 2010। द फर्स्ट इंटरनेशनल रेड पांडा डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 18 सितंबर 2010। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या खासियत है इस क्वेश्चन के पीछे। रेड पांडा नेटवर्क के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, कब लॉन्च किया गया था, तो 18 सितंबर 2010 को पहला बार ये मनाया गया था। और इस बार कब मनाया गया है, 19 सितंबर को क्या था, 19 सितंबर को थर्ड सैटरडे था सितंबर का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को इस तरह भी याद रखिएगा जो क्या क्या खासियतें हैं इसे, किसके तहत क्या क्या खास चीजें हैं रेड पांडा डे मनाया जाता है। बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपको लगता है ये सब क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन एग्जामिनर वही क्वेश्चन डालता है जो बच्चों को लगता है नहीं पूछा जा सकता है, इतना इजी क्वेश्चन। रेड पांडा डे तो कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पूछा जा सकता है। इसी के साथ मैंने एक बात कहा था, कल एक क्वेश्चन आया था थर्ड सैटरडे ऑफ सेप्टेम्बर को एक और चीज मनाया जाता है कोस्टलाइन क्लीनर्स डे, इंटरनेशनल कोस्टलाइन क्लीननेस डे, समुद्रीय तट को साफ रखने का दिवस, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस को साफ रखने का दिन तीसरे शनिवार को, सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, दो चीज हमेशा याद रखिएगा, कोई भी चीज अगर साइमल्टेनियस नहीं आता एक साथ आता है इसे हमेशा याद रखिएगा। एक क्वेश्चन अगर नहीं पूछा जाता है तो उसके बदले दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर एक क्वेश्चन एक साल पूछ लिया गया दूसरा साल वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसकी चांसेस आपको 60% होती है, अगर 50% है जहां ज्यादा आया चांसेस उसे आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना समय वेस्ट किए हुए। उससे पहले जान लीजिए रेड पांडा नेटवर्क का फाउंडर कौन है, ब्रेन विलियम्स है, और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, यूजेन ओरेगन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा भी जा चुका है, डायरेक्ट क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा जाता है, हमेशा क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के, यानी एक क्वेश्चन के अंदर दूसरे क्वेश्चन को डाल के पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जर्ड डैश सेलिब्रेटिंग द सेकेंड एनिवर्सरी ऑफ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJ, यानी केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आयुष्मान भारत की दूसरी वर्षगांठ मनाते हुए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का अध्यक्षता की। कौन सा है, कौन सा आरोग्य मंथन, कौन सा वेलफेयर प्रोग्राम है जिसके तहत ये किया गया है, ये है आरोग्य मंथन 2.0। आइए चलते हैं इसके तहत क्या क्वेश्चन है देखते हैं। द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर लॉन्च्ड द
आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ज्वाइंट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। दिस प्रोग्राम विल डेवलप द स्किल एंड नॉलेज ऑफ रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स इन मेडिकल ऑडिट एंड हेल्थ इंश्योरेंस फॉर एक्यूरेट एंड इफिशियंट प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स एंड प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड अब्यूज। बहुत खास चीज़ है, आयुष्मान भारत पे क्वेश्चन बन चुका है यूपीएससी के मेंस में। आयुष्मान भारत पे जितने डिटेल्स में आप जान सकेगा उतना खास चीज़ है ये, और जितने भी अभी खास खास चीज़ें आ रहे हैं सभी पे। तो आयुष्मान भारत पे एक खास वीडियो हम लोग लाएंगे कुछ ही दिनों में, उसे देखना नहीं भूलिएगा। आयुष्मान भारत क्या है, कैसे लाएगा, क्यों लाया गया, उसके तहत क्या क्या कार्यक्रम चल रहे हैं, ये अभी भी यूपीएससी के मेंस में बहुत जगह लिखने को आ सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो कोई भी कमेंट की तैयारी कर रहे हैं उसमें अगर कुछ ऐसा वर्ड्स आ जाता है जो आपको पूछा जा सकता है, तो उसे जरूर ध्यान से देखिएगा। और एक नोटबुक पेन जरूर रखा कीजिए, उसे जरूर से जरूर नोट कीजिए। हो सकता है पीडीएफ जाके देख लीजिए, फिर भी एक नोटबुक पेन अपने नोट्स के लिए जरूर रखा कीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। द इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन 10 सितंबर एवरी ईयर। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संकेतिक भाषाओं को हर साल 10 सितंबर को मनाया जाता है। ये है हमारा 23 सितंबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संकेतिक भाषा होता क्या है। कोई भी चीज़ जो संकेत से यूज करते हैं, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल ये जो हम लोग हैंड का साइन करते हैं दिस, या कोई भी हैंड का साइन करते हैं 1 2, जैसे ये सब साइन हो गया, संकेत हो गया। इस भाषा को जनरली कौन यूज करता है, तो जो बोल नहीं पाते हैं उसे यूज करते हैं, चाहे जो सुन नहीं पाते हैं उनको समझाने के लिए, जो सुन नहीं पाते हैं उनको समझाने के लिए, या जो बोल नहीं पाते हैं वो इस तरह से यूज करते हैं बोलने के लिए, मतलब दूसरे को समझाने के लिए। तो दो तरह से यूज किया जाता है। तो इसका एम क्या है इस डे का, दिस डे इज सेलिब्रेटेड टू रेज अवेयरनेस ऑन साइन लैंग्वेज एंड स्ट्रेटन द स्टेटस ऑफ साइन लैंग्वेज। ऑल्सो द लास्ट फुल वीक ऑफ सेप्टेम्बर इज ऑब्जर्व एज इंटरनेशनल वीक ऑफ डेफ। अब आइए क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्या ये स्टेटमेंट कह रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा हिंदी में जान ले, हमारी मातृभाषा है, समझने में अच्छा होता है, इसलिए हम लोग बात कर लेते हैं इसके बारे में। यह दिन संकेतिक भाषाओं पर जागरूकता बढ़ाने और संकेतिक भाषाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा सितंबर के अंतिम पूरे सप्ताह को बधिरों के अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। कोई भी चीज अगर कोई मुख है, कोई बधिर है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आजकल सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है और वो लोग आगे बढ़ भी रहे हैं, किसी के लिए कुछ दिक्कत नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है आजकल। ये सब हमारे हाथ में नहीं होता, इसलिए सब कुछ के लिए सब कुछ नॉर्मल है और सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल स्टेटस है। इसलिए न घबराना है इस चीज़ से, इस चीज़ को हमें मजबूती बना के आगे बढ़ते रहना है और हमें सपोर्ट करते रहना है इन लोगों को, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं हमारे सोसाइटी में, यही सब हैं जो हमारे सोसाइटी को आगे ले जा सकते हैं। अब आइए देखते हैं इस बार का थीम क्या है। द थीम फॉर द 2020 इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज इज साइन लैंग्वेज आर फॉर एवरीवन। साइन लैंग्वेज सभी के लिए होता है, और हम लोग भी जान रहे हैं अभी जो हम इशारों में बात कर रहे हैं ये भी तो साइन लैंग्वेज ही हुआ। कभी आप किसी को समझाते हैं, किसी के सामने बोलना नहीं चाहते, समझाते हैं, तब भी तो आप साइन लैंग्वेज का ही बात करते हैं। अगर सभी के लिए है तो क्या मुख क्या बाधिर, सभी के लिए साइन लैंग्वेज है तो हम सभी मनाते हैं साइन लैंग्वेज को। इसलिए इस बार का थीम भी रखा गया है साइन लैंग्वेज फॉर एवरीवन। आइए देखते हैं अब इस बार का क्या है, ताकि साइन लैंग्वेज और वर्ल्ड फेडरेशन का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। चलिए देखते हैं, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डीफ प्रेसिडेंट कौन है, जोसेफ जेमुरे है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डीफ फाउंडेड कब हुआ था, कब फाउंड किया गया था, 23 सितंबर 1951 को रोम इटली में किया गया था। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डीफ हेडक्वार्टर कहाँ है, हेलसिंकी में, फिनलैंड में है अभी। और कहाँ से स्टार्ट हुआ था, मतलब कि कब स्टार्ट हुआ था, 23 सितंबर 1951 को, और कहाँ से, तो रोम इटली में। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। आज पांचों का पांचों क्वेश्चन मोटिवेशनल क्वोट्स आने से पहले पांचों जो क्वेश्चन है वो करेंट अफेयर्स से था और रहेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके जस्ट बाद हम लोग एक मोटिवेशनल क्वोट्स पे डिस्कस करेंगे, आप लोग अपना राय भी दे सकते हैं उस मोटिवेशनल क्वोट्स पे। सुनते रहिएगा लाइफ एक्सप्लोर को, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, या तो प्राइवेट सेक्टर में आप ज्वाइन करना चाहते हैं या गवर्नमेंट, सब जगह ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड राइनो डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन 10 सितंबर एवरी ईयर। विश्व राइनो दिवस हर साल 10 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है।
कब मनाया जाता है वर्ल्ड राइनो दिवस? कमेंट कीजिए जल्दी से। देखिए वर्ल्ड राइनो दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट कीजिए। वर्ल्ड राइनो दिवस आपको 22 सितंबर को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो दिवस मनाया जाता है। अब क्या है देखिए, वर्ल्ड राइनो डे वाज फर्स्ट अनाउंस्ड बाय वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड साउथ अफ्रीका इन 2010 एंड इज बीइंग ऑब्जर्व इंटरनेशनल सिंस 2001। यानी पहली बार कब मनाया गया था, 2011 में, और तब से चला आ रहा है। विश्व राइनो दिवस की घोषणा पहली बार 2010 में विश्व वन जीव कोष दक्षिण अफ्रीका द्वारा की गई थी, और 2011 से इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। दिस स्पेशल डे प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर कॉज रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ जूज एंड मेंबर्स ऑफ द पब्लिक टू सेलिब्रेट राइनो इन देयर ओन यूनिक वे। दिस डे इज सेलिब्रेटेड टू रेज अवेयरनेस ऑफ द नीड टू प्रोटेक्ट ऑल द 5 एग्जिस्टिंग स्पेसीज और राइनोसोरस विच आर। 5 राइनोसोरस के प्रजाति अभी हैं जो खत्म होने वाले हैं, जिन्हें बचाना बेहद जरूरी है। कौन कौन सा है आइए देखते हैं दोस्तों। काला राइनो, ब्लैक राइनो, व्हाइट राइनो, ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, सुमेत्रन राइनो एंड जवन राइनो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कौन सा एग्जिस्टिंग मतलब कि राइमोंडन जो है अभी मतलब कि एग्जिस्ट नहीं करेगा, कुछ दिन बाद उसका प्रजाति जो है विलुप्त हो जाएगा। तो वो कौन सा है, ब्लैक राइनो, व्हाइट राइनो, ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, सुमेत्रन राइनो एंड जवन राइनो। ये 5 प्रजाति जो है कुछ ही दिनों में विलुप्त हो जाएगा अगर ये नहीं संरक्षण इसे इसका संरक्षण नहीं किया गया। तो बहुत ऐसे जानवर हैं जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, उसे हमें बचाना है, उनकी संरक्षण करना है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम लोग डायरेक्ट बिना समय वेस्ट किए आज के मोटिवेशनल क्वोट्स की तरफ। सीधा सीधी बात है, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। कुछ नहीं पढ़ना है, बस जो कर रहे हैं वो हम लोग कर लेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। यू कैन डू इट, ये देखिए और समझ जाइए। बस माइंड में एक बार इसे समझाना है क्या है, यू कैन डू इट, नथिंग कैन एल्स चेंज माई माइंड और डिस्ट्रैक्ट माई माइंड फ्रॉम डूइंग एनी परफेक्ट जॉब। एंड नाउ आवर जॉब इज टू कम्पिटिटिव एग्जाम, क्लियर अ कम्पिटिटिव एग्जाम दैट वी वॉन्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यानी यू कैन डू इट, सिंपल, जो समझ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नहीं समझ रहे हैं वो भी समझ जाएंगे। बस एक बार इसे पढ़ के देखिए खुद में, यू कैन डू इट, हाउ कैन यू डू इट, नथिंग कैन चेंज योर माइंड, दिस इज नॉट द मैटर हाउ कैन यू डू इट। बस दिस यही काम है, यही कहते रहना है, यू कैन डू इट और आई कैन डू इट। अब चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग का स्टार्ट हो गया है जीके जीएस का सेशन। द मैकमोहन लाइन वाज पार्ट ऑफ 1914 शिमला कॉन्वेंशन बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड मैकमोहन रेखा ब्रिटिश भारत और डैश के बीच 1914 शिमला कन्वेंशन का हिस्सा थी। अगर इसका आप आंसर जानते हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में कीजिए, ए बी सी डी कोई भी आंसर आप कर सकते हैं जो आपको लगे जो हाँ ये है आंसर, अगर आप जानते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिए। द मैकमोहन लाइन वाज पार्ट ऑफ द 1914 शिमला कन्वेंशन बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड किसके किसके बीच हुआ था, मैकमोहन लाइन किसके किसके बीच खींची गई थी। ये था हमारा आंसर है, शिमला कन्वेंशन का कब जो हिस्सा था तिब्बत और भारत के बीच खींचा गया था। जल्दी से जल्दी दोस्तों शेयर कीजिए इस सेशन को, बहुत इंपॉर्टेंट है सेशन, अब एंड होने वाला है, इसके बाद एप्टीट्यूड का सेशन आएगा। इससे पहले बता दूं इसके लास्ट में बैटल सीरीज चल रहा है, बैटल इंपॉर्टेंट इंडियन बैटल का जो सीरीज है वो चल रहा है। बहुत सारे दोस्त जो है रॉन्ग आंसर दे रहे हैं, पाकिस्तान का जो लाइन था वो मैकमोहन लाइन नहीं था, वो रेड क्लिफ लाइन था। पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो लाइन था वो रेड क्लिफ था, मैकमोहन लाइन जो है वो चाइना यानी तिब्बत और इंडिया के बीच में खींचा गया था। शिमला कन्वेंशन का हिस्सा जो है वो कौन सा है, तिब्बत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाई इज रन ऑफ कच्छ ऑफ इंडिया फेमस फॉर, यानी रन ऑफ कच्छ इंडिया का क्यों फेमस है, यानी रन ऑफ कच्छ
इंडिया में जो है वो क्यों फेमस है, इसका आंसर जान रहे हैं अगर तो आप डालिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में, रन ऑफ कच्छ इंडिया का क्यों फेमस है। वो फेमस है टाइडल एंड फ्लैट्स के लिए। अब टाइडल एंड फ्लैट्स क्या होता है ये हम डिस्क्रिप्शन में जानेंगे। चलिए देखते हैं रन ऑफ कच्छ है कहाँ, क्या है वो। द ग्रेट रन ऑफ कच्छ इज अ साल्ट मार्स लोकेटेड इन द थार डेजर्ट ऑफ द कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात इंडिया। इट इज फेमस फॉर टाइडल एंड फ्लैट्स। अब रन ऑफ कच्छ है कहाँ, कच्छ डिस्ट्रिक्ट है कहाँ का, गुजरात का। अब चलिए देखते हैं टाइडल एंड फ्लैट्स होता क्या है। तो देखिए इसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन, इसे आप समझ जाइएगा, हिंदी इंग्लिश जो समझ सकते हैं, बाइलिंगुअल इसलिए मैं डालता हूं। मड फ्लैट्स ऑल्सो नोन एज टाइडल फ्लैट्स आर कोस्टल वेटलैंड्स डेट फॉर्म इन इंटर टाइडल एरिया वेयर सेडिमेंट्स हैव बीन डिपोजिटेड बाई टाइड्स और रिवर। यानी ज्वार भाटा के कारण समुद्री तट पे या नदी के द्वारा उसके तट पे जो एक मड यानी कीचड़ का जो एक लेयर बना दिया जाता है वो टाइडल फ्लैट्स के नाम से जाना जाता है। तो ये समुद्री तट पे भी हो सकता है, वो बालू का भी बन सकता है या कीचड़ बालू किसी चीज का भी बन सकता है। तो वो नदी के द्वारा भी बनाया जा सकता है और समुद्र के द्वारा भी बनाया जा सकता है। तो समुद्र में ज्वार भाटा आता है इस कारण से बनेगा, या नदी में भी कुछ लहरें बहती हैं उस कारण से बनेंगे। तो एक लेयर बन जाता है मड्स का, उसे इसलिए हम लोग मड फ्लैट्स कहते हैं या फिर हम लोग उसे टाइडल फ्लैट्स भी कह सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसलिए मैं यहां पे डाला हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। फिजिक्स का क्वेश्चन है फॉर हाई फ्रीक्वेंसी कैपेसिटर्स एक्ट एज। फिजिक्स का क्वेश्चन है उच्च आवृत्तियों के लिए संधारित्र डैश के रूप में काम करता है, क्या है इसका आंसर, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यानी देखिए क्या होता है, पहले बता दूं होता क्या है। इसका आंसर होगा आपको शॉर्ट सर्किट के तरह काम करता है। शॉर्ट सर्किट होता क्या है जान लीजिए, फ्यूज होता है। अगर यहाँ पे कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव वायर में होता है, अगर कोई नेगेटिव पॉजिटिव आपस में कनेक्ट हो रहा है तो स्विच का जो एक थिन वायर होता है वो ब्रेक डाउन होता है और शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो हाई फ्रीक्वेंसी का कैपेसिटर कैसा एक्ट करता है, तो शॉर्ट सर्किट के तरह ही काम करता है। भले ही शॉर्ट सर्किट होने के बाद वो सर्किट जो है ओपन कहलाए, ओपन सर्किट नहीं कहलाएगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट होने के बाद जब फ्यूज में वायर ब्रेकडाउन होता है तब ओपन सर्किट हो जाता है, ना कि उसका नाम ओपन सर्किट है, शॉर्ट सर्किट कहलाता है, उसका नाम शॉर्ट सर्किट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन है। देखिए क्या होता है, कैपेसिटिव इंपेडेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, हेंस एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी द इंपेडेंस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो, हेंस इट एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट एंड देयर इज नो वोल्टेज अक्रॉस इट। क्या कहा जा रहा है, देखिए कैपेसिटिव प्रतिवर्ता आवृत्ति के विपरीत अनुपातिक है, इसलिए बहुत उच्च आवृत्तियों पर प्रतिबाधा लगभग शून्य के बराबर है, इसलिए यह शॉर्ट सर्किट के रूप में कार्य करता है, ना कि ओपन सर्किट के रूप में। इसमें कोई वोल्टेज, अगर शॉर्ट सर्किट लगे तो कोई वोल्टेज आसपास नहीं होगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग सीरीज जो कर रहे थे बैटल का, इंपॉर्टेंट बैटल का, उसमें एक बैटल डिस्कस करेंगे। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड इन। विश्व व्यापार संगठन WTO एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी, जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होने वाला है कमेंट बॉक्स में जल्दी से कीजिए। क्या है क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन WTO एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका स्थापना किस वर्ष में हुई थी, इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कीजिए। इसकी स्थापना आपको बता दूं मैं, कोई है जो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अब देख लीजिएगा बता ही दीजिएगा ना। 1995 में, बिना देखे बताना रहता है, देख के बताने के लिए तो सब बता देते हैं, एग्जाम में बिना देखे लिखना रहता है इसलिए बिना देखे बताइए। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन डेट इज कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन नेशंस। द WTO ऑफिशियली कमेंस्ड ऑन 1 जनवरी 1995 अंडर द मार्केस एग्रीमेंट। मार्केस एग्रीमेंट
बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किस एग्रीमेंट के तहत, किस समझौते के तहत आया था यह? मार्केट समझौते के तहत शुरू किया गया था। कब शुरू किया था? 1 जनवरी 1995 को। सबसे इंपॉर्टेंट संगठनों में से एक संगठन है विश्व व्यापार संगठन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका बहुत जगह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यहाँ तक कि UPSC इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ा है, विस्तार रूम से लिखने के लिए आता है। तो हम लोग जैसा कि बात किए हैं, इसके बाद हम लोग बैटल सीरीज करेंगे। बैटल सीरीज खत्म होते ही हम लोग इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे, जैसे यूनिसेफ, यूनेस्को, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सारे के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए, आज का फेमस बैटल्स क्या क्या है, फेमस बैटल्स के बारे में हम लोग जानते हैं। कल हम लोग बैटल ऑफ प्लासे बात किए थे, ये देखिए बैटल ऑफ प्लासे था। तो बैटल ऑफ प्लासे में हम लोग बात कर चुके थे, कब हुआ था? 23 जून 1757 को। पूरा डिटेल्स में जानकारी के लिए करिए, पढ़ लीजिए, PDF देख लीजिए कल वाला, या आज वाला भी देख लीजिएगा, चीज के बारे में पता चल जाएगा, या तो कल वाला वीडियो पूरा देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए, आज हम लोग देखने वाले हैं बैटल ऑफ पानीपत। आप लोग बोलिएगा सीरीज में क्यों नहीं ला रहे हैं? एक दो बैटल, तीन चार बैटल एक ओवरव्यू देने के लिए मैं ला रहा हूँ, फिर सीरीज अगर आएगा तो इसके बीच में अगर ये सब बैटल भी आ रहा है तो हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे जरूर से जरूर। बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत में तीन बैटल हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पहला हुआ था 1526 AD में, दूसरा हुआ था 1556 AD में, और तीसरा हुआ था 1761 AD में। अब चलिए नॉर्मल ओवरव्यू ले लेते हैं बैटल ऑफ पानीपत का, क्या हुआ था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था? विक्ट्री किसकी हुई थी? बाबर की हुई थी। इसी समय से मुगल साम्राज्य की स्थापना कब नींव रखा गया था। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था 1556 में, किसके किस बीच? हेमू और अकबर के बीच में। जीत किसकी हुई थी? अकबर की हुई थी। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किसके किसके बीच हुआ था 1761 में हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था? मराठा और दुर्रानी एम्पायर के बीच हुआ था। विक्ट्री किसकी हुई थी? दुर्रानी की हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, इसके बाद आपके लिए आ रहे हैं एप्टीट्यूड और रीजनिंग का सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्काउंट का सेशन चल रहा है, यानी छूट का सेशन चल रहा है। रेशन प्रपोर्शन परसेंटेज खत्म हो चुका है, आज लेक्चर दो ही है। जो जिसको दिक्कत होगा आज फिर हम कुछ पॉइंट का रिविजन करेंगे, जरूर से जरूर देख लीजिएगा। ये उन सभी के लिए उपयोगी है जो कोई भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्राइवेट सेक्टर का हो या गवर्नमेंट सेक्टर का हो, सभी के लिए उपयोगी है। तो मिलते हैं जल्द ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसका? तो एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग सेशन का।